बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट वन की जो बुक है मैथ स्टेट की, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है, उसका एक्सरसाइज नंबर 9 आज हम करेंगे। तो किताबें निकालें, मैथ स्टेट की खादिम हुसैन साहब की बुक है और इसमें एक्सरसाइज नंबर 9 और पेज नंबर 304, पेज नंबर 304 पे आ जाइए। तो नंबर 9 में कहता है कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो हमें कुछ डेटा दिया गया है। याद रखिएगा, ये जो डेटा आपको दिया गया है ये अनग्रुप डेटा है। तो याद रखें कि जब भी अनग्रुप डेटा होता है तो उसको आपने एक्स के कॉलम में लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे 43, 49, 50, 57, 58, हाँ जी सर मुझे साथ साथ बोले, बुक में देते जाएं, 60, 62, 63 और 65। जी शाबाश। तो x की जितनी वैल्यूज होंगी इसी तरह सीरियल नंबर भी आपने उतना बढ़ाना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 और यहां पर 10 आ जाएगा। लाइनें लगा देते हैं। तो अब हमने ज्योमेट्रिक मीन मालूम फाइंड करना, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग x ओवर n। अब n की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, n कहते हैं नंबर्स को। देखें ये 1 से लेकर 10 तक, यानी ये जो 10 टोटल वैल्यू 10 है, तो इसका जो नंबर होगा वो 10 होगा। अब हमने log x फाइंड करना है, तो यहां पे आपने लिखना है log x। तो log x का मैं तरीका पहले ही बता चुका हूं इससे पिछले लेक्चर्स में, कि सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पर log का बटन प्रेस करें। जी प्रेस कर लिया, उसके बाद कैलकुलेटर पर लिखें 43, जी लिख लिया, फिर इक्वल टू का बटन प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा। तो मैं करता हूं अभी log 43 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.6335। उसके बाद दोबारा log का बटन प्रेस करें और फिर कैलकुलेटर पर लिखें 46, तो इक्वल टू log 46 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.6628। फिर log और ये 49 इक्वल टू 1.6902 आ जाएगा। दोबारा log का बटन प्रेस किया और फिर 50 लिखें और इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.7559। दोबारा log का बटन प्रेस करें और 57, जी 57 हमने कर लिया, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा हल करते हैं। दोबारा लिखें log और 50, तो इससे आ जाएगा 1.6990। फिर log 57 इक्वल टू 1.7559। अब 58 का लिखें, चलें जी लिखें, log का बटन प्रेस करें log, अब आप लोग 58 का बटन प्रेस करें 58 और इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा 1.7634। आपके पास भी यही आ रहा है बच्चों? ठीक है, 1.7634। फिर दोबारा log और 60 इक्वल टू, इसे आया 1.7782। दोबारा अब 62 का log मालूम करते हैं, लिखें log, log और 62 इक्वल टू, तो ये आ गया 1.79
24। अब 63 का लॉग फाइंड करते हैं, तो लॉग 63 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.7993 और 3। उसके बाद लास्ट में 65 है, लॉग 65 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1.8129। जी ये हमने जो x की वैल्यू थी इनकी हमने लॉग फाइंड कर लिया। अब आपने फार्मूले की तरफ आना है, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, जी ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एन, एन देखिए हमारे पास 10 है तो यहां पे लिखेंगे 10। उसके बाद लॉग एक्स समिशन, समिशन का मतलब क्या होता है कि लॉग एक्स को आपने ऐड करना है, प्लस करना है, तो ये जो लॉग एक्स वाला कॉलम है इसको हम ऐड करेंगे। तो चले जी आप लोग वगैरह, मैं भी करता हूं, प्लस करता हूं 1.6335 प्लस 1.6628 प्लस 1.6902 प्लस 1.690 प्लस 1.7559 प्लस 1.7634 प्लस 1.7782 प्लस 1.724 प्लस 1.793 प्लस 1.8129। जी मेरे पास आया है 17.3876। जी आपके पास भी यही आया है, चलें ठीक है जी। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 17.38 76। अब इस कॉलम को हमने जब प्लस किया तो हमारे पास अच्छा, तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 17.3876 को 10 पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आएगा 1.7387। जी आपके पास भी यही है बच्चों, ठीक है 1.7386। अब इसके साथ ये एंटी लॉग है तो ये एंटी लॉग भी आपने खत्म करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग खत्म करने का तरीकेकार मैंने पहले बताया था, दोबारा समझें जी। कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करें और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखें तो इक्वल टू, तो मैं भी करता हूं जी। मेरे पास आया है 54.7974। जी आपके पास भी है, जी ठीक है 54.7974। जी ये हमारा आंसर है ज्योमेट्रिक मीन का। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।